और सर ये बताइए सर, आपका यहाँ पे जो शोरूम है हमको तो नया दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे कितना दिन हुआ सर शोरूम खोले हुए? शोरूम खोले हुए 1 महीने हो गया। ओके, आप 1 महीने से देख सकते हैं नया नया शोरूम खुला हुआ है। आपका मैं फर्स्ट यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, है ना? बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी आए। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा स्कूटी लगा हुआ है, अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो आप स्कूटी यहाँ से ले सकते हैं, ऑटो लेना चाहते हैं तो ऑटो ले सकते हैं, अगर आप फोर व्हीलर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। कितने किलोमीटर चल रहा है सर? करीब 7.5। 7.5 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है? कितने किलोमीटर चला हुआ है? अच्छा 3,000 किलोमीटर। ओके, तो देख सकते 3,000 किलोमीटर चला हुआ है। कितने किलोमीटर चला हुआ है सर? करीब 6,500। 6,500 किलोमीटर चला हुआ है। इसका प्राइस क्या रखें? एक्टिवा 19 मॉडल है, 5G है। ओके, कितने किलोमीटर चला हुआ है? किलोमीटर ये 3,500 किलोमीटर चला हुआ है। 3,000 किलोमीटर चला हुआ है, वाह क्या बात है। और सीएनजी है, सीएनजी हमारे पास है, डीजल गाड़ी भी है। ओके, ऑटो में ये गाड़ी जो है, ये सब गाड़ी कहाँ से आती है सर बताइए? ये फाइनेंस से खींची हुई गाड़ी है, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस से खींची हुई गाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप रोय, स्वागत करता हूं आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसे कि आज हम आ चुके हैं पटना, और पटना आपको जो हमारा थंबनेल देख के पता चल ही होगा किस टॉपिक पे आज वीडियो होने वाला है। सो गाइस, आज हम दिखाएंगे आपको सेकेंड हैंड ऑटो और एक फोर व्हीलर यहाँ पे मिलता है, और प्लस में यहाँ पे बाइक स्कूटी सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? तो वीडियो में प्लीज़ बने रहना, वीडियो को मिस मत करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फोर व्हीलर लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे दो ऑटो हैं, ठीक है? यहाँ पे दो ऑटो देख सकते हैं, दो ऑटो लगा हुआ है। अभी इसके जस्ट अंदर गोदाम में और ऑटो लगा हुआ है, तो आइए अब जस्ट अंदर दिखाते हैं आपका ऑटो। यहाँ पे एक R15 है, R15 यहाँ पे लगा हुआ है, एक अपाची है, यहाँ पे एक्टिवा स्कूटी है, TVS का स्कूटी है, और यहाँ पे होंडा का भी है, तो सारा यहाँ कंपनी का आपको स्कूटी और बाइक मिल जाएगा, ठीक है? और ये अंदर भी आइए तो एक ऑटो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एक ऑटो है, और एक अंदर गोदाम में भी ऑटो, बहुत सारा ऑटो यहाँ पे है। तो सारा का प्राइस जानेंगे और आपको फुल डिटेल देंगे, ठीक है? तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर का भी ऑटो, यहाँ पे बहुत सारा ऑटो लगा हुआ है, ठीक है? सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में ऑटो लगा हुआ है, यहाँ पे 5 ऑटो अंदर लगा हुआ है, ठीक है? और ये सब जो ऑटो और बाइक जो फोर व्हीलर, ये सब फाइनेंस की घिंची हुई गाड़ी होती है। जैसे कि आप गाड़ी लेते हैं फाइनेंस पे, और क्या है कि आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये शोरूम वाला क्या करते हैं कि आपका जो गाड़ी उठा लेते हैं, ठीक है? ये लोग लेते हैं, ये लोग सेल करते हैं, ठीक है? किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गाड़ी का ओनली फाइनेंस गाड़ी होती है, तो यहाँ मिलता है, ठीक है? तो फुल डिटेल जो है, चलिए यहाँ का जो ऑनर उनसे बात करते हैं और फुल डिटेल लेते हैं, तो आइए। तो गाइस, हमारे बीच हैं यहाँ के जो ऑनर, उनसे बात करते हैं और फुल डिटेल लेते हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर को हाई कीजिए, और सर अपना नाम बताइए। विक्की सिंह। ओके विक्की, ओके जी। तो विक्की जी हमारे पूरा डिटेल जो है गाड़ी के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो सर सबसे पहले बताइए, हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर आते हैं तो एड्रेस क्या होगा? एड्रेस यहाँ का दिग्गा सियाना रोड, नियर राजीव नगर थाना है, थाना के पास ही है, ठीक है? और सीएनजी है, सीएनजी हमारे पास है, डीजल गाड़ी भी है। ओके, ऑटो में ये गाड़ी जो है, ये सब गाड़ी कहाँ से आती है सर बताइए? ये फाइनेंस से खींची हुई गाड़ी है, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस से खींची हुई गाड़ी है, जी। ठीक है, जो कस्टमर इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करते हैं वो गाड़ी खींच जाती है, ठीक है ना? और उस गाड़ी को फिर सेल में आता है, सेल में फिर सेल किया जाता है। ओके, तो इस गाड़ी को जो है क्या, इसका मॉडल नंबर क्या है? 2019 मॉडल है। 2019 मॉडल है, ये फर्स्ट ऑनर है? फर्स्ट ऑनर है। ओके, फर्स्ट ऑनर है, और ये 2019 मॉडल है, इसका बताइए सर कि प्राइस क्या रखें आप? 1,84,000 इसका है। ओके, 1,84,000 प्राइस रखा गया है, और इसमें और अगर हमारे यूट्यूब से आते हैं तो क्या प्राइस कम होगा? बिल्कुल कम होगा। ओके, तो हमारे यूट्यूब से अगर आप आते हैं तो बिल्कुल प्राइस जो कम हो जाएगा। और सर नंबर कहाँ की? पटना नंबर है, ये पटना नंबर है, देख सकते हैं। अगर पटना के हैं आप तो आराम से ये ले सकते हैं, ठीक है? आपका पटना नंबर मिल जा रहा है। और इसे सर बता दीजिए, इसका माइलेज क्या होगा सर? माइलेज 32 का है। ओके, 32 का आपको माइलेज मिल जाता है, ठीक है? बहुत अच्छा बात है। और सर इसे बताइए कि अगर ये ऑटो फाइनेंस करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? रीफाइनेंस की सुविधा नहीं है। नहीं है, ओनली कैश, ओनली वन टाइम पेमेंट को होगा। okay. उसके बाद NOC मिलता है, उसके बाद ट्रांसफर, गाड़ी के साथ ओनर बुक देते हैं, NOC देते हैं। गाड़ी लेने के बाद ट्रांसफर कितने दिन में करके देंगे आप? 15 से 20 दिन तक।
ओके, ट्रांसफ़र करने के बाद आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा। ओके, तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट मॉडल में। यहाँ पे ऑटो, छोटा वाला ऑटो है ना ये, तो अब इसके बारे में फुल डिटेल लेते हैं। तो सर इसके बारे में फुल बताइए, कौन सी गाड़ी है? आपे सिटी है ये। ओके, पियाजो CNG विद पेट्रोल भी है। इसका प्राइस 1,64,000 है। ये पेट्रोल है? पेट्रोल CNG दोनों है। ओके, दोनों है। हाँ। ओके ओके, वो सिंगल है, बस डीजल है? वो भी पेट्रोल है। वो भी पेट्रोल CNG में दोनों आता है, पेट्रोल आता है, CNG आता है, दोनों आता है। ओके ओके, तो इसका प्राइस क्या रखे सर? 1,64,000 है। 1,64,000, ये फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर है। ओके, फर्स्ट ओनर है, 1,64,000 प्राइस रखा गया है। और ये नंबर कहाँ की सर? पटना। ये पटना का, दोनों पटना के नंबर है? सारा गाड़ी पटना का ही मिलेगा, जितना ऑटो है पटना ही। ओके, जितना ऑटो है सब पटना के नंबर है। उसके बाद जो बाइक आपका है वो भी पटना का है? वो भी पटना नंबर है। ओनली सब पटना नंबर? पटना नंबर है। ओके, सब गाड़ी फाइनेंस ही आती है ना? वो देख सकते हैं गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब इसके प्राइस जो है 1,64,000 प्राइस रखा गया है ना सर। और सर ये इसका मान के चलिए कि हमारे यूट्यूब से आते हैं तो कितना आप कम कर सकते हैं ये प्राइस? कस्टमर आते हैं, गाड़ी पसंद करते हैं, ओके, तो कम कर दिया जाएगा। ओके, तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट मॉडल में। एक यहाँ पे एक फोर व्हीलर लगा हुआ है, अब इसके बारे में फुल डिटेल लेते हैं। तो सर थोड़ा यहाँ पे आइए सर, अभी होंडा सिटी है, होंडा सिटी के बारे में फुल डिटेल लेते हैं। तो सर ये बताइए, ये नंबर पहले कहाँ की है? पटना की नंबर है। ये पटना का नंबर है, ये फर्स्ट ऑनर है सर? फर्स्ट ऑनर है। ओके, फर्स्ट ऑनर है, पटना का नंबर है। कितना किलोमीटर चला है सर ये? 38,000 किलोमीटर चली हुई है। 38,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये डीजल है कि पेट्रोल है? डीजल है, ये डीजल है। बहुत अच्छा डीजल गाड़ी देख सकते हैं, और पटना नंबर है। इसका प्राइस क्या रखे सर? 6,80,000 इसका प्राइस रखा गया है। तो देख सकते हैं अगर आप आते हैं तो उसमें आपको जो प्राइस है कम कर दिया जाएगा। और सर ये पेंट है, डुप्लीकेट तो नहीं है सर? नहीं, ओरिजिनल पेंट है। ओरिजिनल पेंट है, ओके। तो देख सकते हैं एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है। आइए फिर अंदर चलते हैं, आपको तीन गाड़ी मैं दिखा चुका हूँ। आइए फिर यहाँ पे बाइक है, ऑटो है, उसके बारे में डिटेल लेते हैं। तो आइए, जैसे कि गाइस अब इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये पटना का परमिट गाड़ी है, ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल लेते हैं। तो सर इस गाड़ी के बारे में बताइए। ये पटना का गाड़ी है जी, ठीक है, पटना नंबर गाड़ी है और ये शहरी क्षेत्र परमिट है। पटना टाउन से, पटना जंक्शन से 15 किलोमीटर हर क्षेत्र में आप जा सकते हैं। ओके, इस गाड़ी का प्राइस 1,86,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितने किलोमीटर चला सर? किलोमीटर इसका है 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर चला हुआ है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी। ओके, इसका माइलेज क्या होगा? इसका माइलेज समथिंग वही 30-32 माइलेज दे देगा। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल और CNG दोनों है। दोनों है, ओके। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी गाड़ी है। न्यू, अभी अभी ये क्या है कि न्यू चल रहा है ना सर? हाँ, न्यू अभी न्यू चल रहा है। और ऐसे बताइए सर कि गाड़ी लेने के बाद एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम करवाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं करवाना पड़ेगा। कुछ ऐसा काम नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ आपको काम नहीं करवाना पड़ेगा। ये जो सर टूटा हुआ है तो ये सर ये आप चेंज करके देंगे। ओके, फोर फिट आपको जो चेंज करके देंगे, ठीक है। और बात करते हैं पेपर की, तो पेपर आपका ऑनर बुक देंगे। ओके, परमिट का पेपर देंगे जी, ठीक है, और NOC देंगे, ट्रांसफर पेपर। तो पेपर में ना ऑल अपडेट देंगे, ठीक है, कोई पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जो पेपर है जो पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर चलते हैं अंदर गोदाम में, कुछ अंदर भी ऑटो है उसके बारे में बात करते हैं। आइए, तो अब गाइस अब इस ऑटो के बारे में बात करते हैं जो कि अंदर गोदाम में बहुत सारा ऑटो लगा हुआ है। यहाँ पे 3-4 ऑटो है, तो 4 ऑटो के बारे में फुल डिटेल ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ गाड़ी है, ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो में बना रहना, वीडियो को मिस मत करना यार। तो चलिए यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं, तो सर इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल बताएं। ये भी गाड़ी फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी। ये पियाजो नहीं, अतुल जेम है ये। ओके, ठीक है, ये भी डीजल, ये पेट्रोल और CNG दोनों चलती है। ओके, दोनों चलती है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ओके, इसका प्राइस 1,88,000 है। 1,88,000, मात्र 8 महीने की गाड़ी है ये। मात्र 8 महीने की गाड़ी है, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा कंडीशन है गाड़ी, देख सकते हैं बिल्कुल। आपको कुछ लेने के बाद कुछ काम नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ऑटो वाले, यहाँ पे दूसरा ऑटो है। तो हमारे कैमरामैन आइए और यहाँ बताइए इस ऑटो के बारे में। इस गाड़ी का भी परमिट है? ओके, इस गाड़ी का। हाँ, ओके। और ये बताइए सर, ये परमिट गाड़ी है और प्राइस क्या रखे हैं आप? इसका 1,78,000 है। 1,78,000 प्राइस रखे गए ना। और ये बताइए सर, ये फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। ये फर्स्ट ओनर है, कितने किलोमीटर चला हुआ सर? समथिंग ये चला हुआ है 9,000 किलोमीटर है। ओके, 9,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, तो देख सकते हैं गाड़ी बहुत अच्छा कंडीशन में है। ये नंबर कहाँ के सर? सब पटना के? सब पटना का नंबर। पटना का नंबर है सर, आप यहाँ पर थोड़ा आइए। ये पटना का नंबर, सबको पहली वीडियो बता चुका हूँ कि पटना का नंबर है, ठीक है। और देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल न्यू की जैसा ही है, ठीक है। और आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट मॉडल में। ओके, तो आपको यहाँ पे एक डीजल ऑटो दिखता है जो कि ये
अभी सिगारी के प्यागो के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा कंडीशन में दिख रहा है, तो सर इसके बारे में फुल डिटेल बताएं। इसका 154,000 है। ओके, 154,000 प्राइस रखा गया। ये फर्स्ट ऑनर है? फर्स्ट ऑनर। कितने किलोमीटर चला हुआ सर? ये करीब 12,000 किलोमीटर चला हुआ। 12,000 किलोमीटर चला हुआ है। और ये नंबर पटना की है? ओके, पटना का नंबर है। इसका माइलेज क्या हुआ सर? माइलेज इसका 24 का। 24 का माइलेज है, बहुत अच्छी बात है, देख सकते हैं। और टायर वायर देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू के जैसा धन है, और ज़्यादा टायर ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। और ऐसा कुछ गाड़ी में लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती तो सर क्या आप काम करके देंगे? गाड़ी लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? जो भी गाड़ी हम यहाँ से देते हैं जी, फुली टंच करके देते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कोई भी गाड़ी आप लेते हैं तो यहाँ पे जो भी काम है आपको फुल फिट करके दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आपको ऑटो के बारे में फुल डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, कोई भी गाड़ी लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ टूटा फूटा मिलता भी है तो ऐसा बाई चांस आपको टूटा हुआ मिलेगा, ठीक है, कोई कोई गाड़ी में ऐसा मिल जाता है, तो आपको यहाँ से फोर फिट करके दिया जाएगा, ठीक है। और चलिए यहाँ पे एक यहाँ पे फोर व्हीलर है, अब इसके बारे में फुल डिटेल लेते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर है, ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सर इस गाड़ी बारे में बताइए। फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी, स्विफ्ट डिज़ायर VDI है। ओके, ठीक है। कितने किलोमीटर चला हुआ है सर? ये किलोमीटर चला हुआ 29,500। ओके, 29,500 किलोमीटर चला हुआ है। और इसका प्राइस क्या रखा है सर? इसका 5,65,000। अच्छा, 5,65,000 प्राइस रखा गया है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा कंडीशन में गाड़ी है। ये भी नंबर पटना की है? पटना नंबर है। ओ भी पटना नंबर है, देख सकते हैं। ओके, इंश्योरेंस अभी है इसका? हाँ, इंश्योरेंस अपडेट है, फरवरी तक इंश्योरेंस। ओके ओके, देख सकते हैं। और अगर गाड़ी लेते हैं तो ट्रांसफर करने का टाइम 20 दिन का लेते हैं आप? हाँ, 20 से 22 दिन। ओके, 20 दिन। अब ओनली अगर ये तो लोन पे नहीं हो सकता है, ओनली कैश? नहीं, ये रीफाइनेंस में भी दे सकते हैं। ओ, दे सकते हैं। तो क्या फर्स्ट पेमेंट करना होगा? फर्स्ट डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा? करीब 3,00,000। ओके, 3,00,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, आपको गाड़ी यहाँ मिल जाएगा। और 3,00,000 डाउन पेमेंट करने के बाद क्या मंथ देना पड़ेगा हमको? वो तो फाइनेंस के हिसाब से होता है ना। ओके, जैसे 3,00,000 हम पेमेंट करते हैं और 2,65,000 फाइनेंस हो जाएगा। ओके, 2,65,000 फाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद ऐसे मंथ हम देना चाहते हैं, जैसे हम 2 साल का लेते हैं तो क्या? 2 साल का लेते हैं तो करीब 10,000 या 12,000 रुपये करीब। ओके, 10,000 या 12,000 रुपये आपको मंथ करना देना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है, ऑटो के बारे में, फोर व्हीलर बारे में। चलिए कुछ यहाँ बाइक है तो बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल लेते हैं, तो आइए। तो गाइस अभी आप इस स्कूटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्कूटी लगा हुआ है, 5, 6, 7 स्कूटी लगा हुआ है, 2 बाइक यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके बारे में फुल डिटेल लेते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, TVS का स्कूटी है, इसके बारे में फुल डिटेल बताएं। TVS का स्कूटी है ये जी, 19 मॉडल है जी, 2019 मॉडल है। ओके, इसका प्राइस 48,000 है। ओके, 48,000 प्राइस है जी। ओके, ये फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर है। ओके, कितने किलोमीटर चला हुआ है? 3,000 किलोमीटर। ओके, तो देख सकते हैं 3,000 किलोमीटर चला हुआ है इसका। बाप, क्या बात है, TVS की स्कूटी है, 3,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसका प्राइस क्या बताया सर आप? 48। बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे मिल रहा है कम प्राइस में। आइए फिर यार, यहाँ हीरो का स्कूटी, अब इसके बारे में फुल डिटेल लेते हैं। तो सर इसके बारे में बताइए, 4G है कि 3G है? 4G है सर। ओके, 4G है? 4G है। ओके, वो 4G? वो भी 4G है, 125 सीसी। ओके, 125 सीसी। अब ये इसका क्या बताएं? इसका सीसी, इसका बताएं, इसका 100 सीसी है। ओके, ये 100 सीसी का गाड़ी है। अब ये सर बताइए, ये TVS का 125 सीसी है, 4G गाड़ी है, और ये फर्स्ट ओनर है सर? फर्स्ट ओनर। ओके, फर्स्ट ओनर है। कितना किलोमीटर चला हुआ सर ये? करीब 6,500। 6,500 किलोमीटर चला हुआ है। इसका प्राइस क्या रखे हैं? 43,500 प्राइस रखा गया है। आप गाड़ी का फुल फिट देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रही है एकदम। और आपको यहाँ पे गाड़ी लेने के बाद कुछ काम वाम नहीं करवाना होगा। और सर ये बताइए कि इसमें कोई इंजन का काम हो? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं होता है। ओके, अब चलिए आते फिर नेक्स्ट मॉडल में। और यहाँ पे होंडा एक्टिवा, ओके, 5G है, जो 5G के बारे में फुल डिटेल लेते हैं। तो सर बताइए इसके बारे में। एक्टिवा 19 मॉडल है, 5G है। ओके, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। ओके, इसका प्राइस है 46,500। 46,500 प्राइस रखा गया है, और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना किलोमीटर चला हुआ है? किलोमीटर ये 3,500 किलोमीटर चला हुआ है। 3,500 किलोमीटर चला हुआ है। वाह, क्या बात है, बहुत कम किलोमीटर चला हुआ है। आपको पता आप लग गया होगा कितना गाड़ी है, अच्छी कंडीशन में होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका बात करते हैं, क्या सर कोई गाड़ी यहाँ पर आते हैं स्कूटी लेने में तो क्या आप कम उसमें कम होगा ना प्राइस? बिल्कुल होगा। ओके, तो प्राइस में कम आपको हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर ये 4 स्कूटी के बारे में बात कर लिया, अंदर भी स्कूटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस अब इस स्कूटी के बारे में बात करते हैं, ये होंडा कंपनी के हैं, तो सर इसके बारे में फुल डिटेल बताएं हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर। 2019 मॉडल की गाड़ी है ये, होंडा की, 125 सीसी। ओके, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। ओके,
ठीक है। कितने किलोमीटर चला हुआ है सर? करीब चला हुआ है 4,500 किलोमीटर। 4,500 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, प्राइस क्या रखे हैं सर? प्राइस इसका 48,000 है। 48,000 प्राइस रखा गया है, देख सकते हैं क्या बात है सर, 4,500 किलोमीटर चला हुआ है, 48,000 इसका प्राइस है। और इसका शोरूम का बात, प्राइस का बात करते हो तो क्या होगा? शोरूम तो 85,000 है। 85,000 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट मॉडल में। यहाँ पे भी होंडा का ये है, ब्लैक कलर की गाड़ी है। तो सर इसके बारे में फुल डिटेल बताएं। सेम वही गाड़ी है, 19 मोटर गाड़ी है। ओके, 4,500 किलोमीटर, ये भी 4,800 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, और इसका भी कीमत 47,500 है। 47,500 किलो प्राइस रखा गया, ठीक है। और इसका कितने किलोमीटर चला हुआ है? 4,500 किलोमीटर चला हुआ है। 47,000 इसका प्राइस रखा गया है। अभी फर्स्ट ऑनर है तो देख सकते हैं बहुत अच्छी गाड़ी आपको मिल रही है, अच्छे कम प्राइस में, अच्छा कम चला हुआ है। और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट गाड़ी जो कि ये होंडा का टीओ गाड़ी है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं सर, ये 4G है? हाँ 4G है। ओके, देख सकते हैं 4G है, और 4G का सबसे मस्त लुक ये लगता है। तो सर इसके बारे में फुल डिटेल बताएं हमारे। 2019 की मॉडल की गाड़ी है ये जी, ठीक है। फर्स्ट ऑनर की गाड़ी है। ओके, 5,500 किलोमीटर चली हुई है। 5,500 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, इसका कीमत है मात्र 42,500। मात्र कीमत 42,500 प्राइस रखा गया है, ठीक है। और सर ये बताइए कि किसी गाड़ी का जो मीटर कम नहीं ना किया जाता है? किसी गाड़ी का नहीं, कोई कम नहीं, कोई कम नहीं। ओके, तो देख सकते हैं किसी गाड़ी का मीटर कम नहीं किया जाता है। ऐसे कोई होता है कि हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मीटर कम कर दिया जाता है? कोई कम नहीं किया हुआ, कोई कम नहीं। चलिए आते हैं तो स्कूटी के बारे में फुल आपको डिटेल बता चुका हूँ। आपको यहाँ पे दो बाइक है जो कि एक अपाची है और एक R15 है। तो ऐसा अब इसके बारे में फुल डिटेल लेता हूँ। R15 है और यहाँ पे TVS अपाची है, ठीक है। इसके बारे में फुल डिटेल लेता हूँ, ठीक है। तो सर सबसे पहले आप R15 के बारे में बताइए। R15 है, मुजफ्फरपुर नंबर है। ओके, R06। ओके, ठीक है। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। ओके, कितने किलोमीटर चला हुआ है? 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, इसका माइलेज क्या होगा? माइलेज इसका 35 है। अच्छा, 35 माइलेज इसका है, बहुत अच्छी बात है। इसका तो माइलेज आपको 35 मिलता ही है। तो और इसका प्राइस क्या रखे हैं सर आप? इसका प्राइस 72,500 है। 72,500 प्राइस रखा गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। 72,500 प्राइस है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आके लीजिए। आपको जो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, नंबर भी आप दिया रहेगा, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं TVS के बारे में। यहाँ पे अपाची है, TVS कंपनी का है। तो सर इसके बारे में फुल डिटेल बताएं। अपाची है, पटना नंबर गाड़ी है जी, 2018 मॉडल लास्ट की है। ओके, 160 अपाची। ओके, इसका प्राइस क्या रखें आप? इसका प्राइस आपका है 72,800। ओके, 72,800 प्राइस रखा गया है। और ये कितने किलोमीटर चला हुआ है? 8,000 किलोमीटर चला हुआ है, देख सकते हैं 8,000 किलोमीटर चला हुआ है। आपको 72,000 प्राइस रखा गया है। ओके, तो देख सकते हैं बहुत अच्छी गाड़ी है। ये भी फर्स्ट ऑनर है ना? फर्स्ट ऑनर है। जो भी गाड़ी है पटना नंबर है वो। ओके, पटना नंबर गाड़ी है, देख सकते हैं। और गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू के जैसा है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो आपको यहाँ पे सब कुछ फोर फिट करके दिया जाएगा, ठीक है। और सर ये बताइए सर, आपका यहाँ पे जो शोरूम है हमको तो नया दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे कितना दिन हुआ सर शोरूम खोले हुए? शोरूम खोले हुए 1 महीने हो गया। ओके, आप 1 महीने से देख सकते हैं नया शोरूम खुला हुआ है। आपका मैं फर्स्ट यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, है ना? बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी आए और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा स्कूटी लगा हुआ है। अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो आप स्कूटी यहाँ से ले सकते हैं। ऑटो लेना चाहते हैं तो ऑटो ले सकते हैं। अगर आप फोर व्हीलर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो आइए, किस देर की बात कर रहे हैं भाई, जल्दी से आइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, एड्रेस भी है, आप कॉल करके आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।